जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 में करवा चौथ का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में, और इस दिन चंद्रोदय का क्या समय होगा, चंद्र दर्शन का क्या समय होगा, तो आइए जानेंगे इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ जो कि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पर्व है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व जो कि सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं, यह व्रत सुबह सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक जो कि निर्जला इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दिन भर निर्जला रह करके व्रत को धारण करती हैं, और फिर शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करने के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत में जो कि चंद्र दर्शन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत को ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत जो कि बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन जो कि भालचंद्र गणेश पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और साथ में जो कि चौथ माता का जो कि माता गौरी का स्वरूप मानी जाती है, इनका पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार रात्रि 9:32 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रात्रि 9:21 पे। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है करवा चौथ व्रत के लिए, वह समय 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है, तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे। 1 नवंबर को जो सूर्योदय का समय है, वह समय सुबह 6:05 और सूर्यास्त शाम 5:16। चंद्रोदय का, चंद्र दर्शन का जो समय होगा इस दिन, वह समय रात्रि 8:01 पे। बहुत से जगहों पे चंद्रोदय जो कि मौसम अगर साफ ना हो, चंद्रमा दिखाई ना पड़ रहे हो, तो जो पंचांग के अनुसार चंद्रोदय का समय है, तो आप इसके बाद चंद्र देवता को उनके नाम से अर्घ्य प्रदान करें और फिर व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो चंद्रोदय 1 नवंबर को जो कि रात्रि 8:01 पे है। इस दिन राहु काल का जो समय होगा, वह समय सुबह 11:41 से दोपहर 1:06 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। इस बार करवा चौथ के दिन योग जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है, यह पुण्य फलदायी है और सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:14 से अगले दिन सुबह 4:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 1 नवंबर को, वह समय सुबह 4:14 से सुबह 5:03 तक। नक्षत्र जो कि मृग शिरा नक्षत्र रात्रि 4:37 तक। उसके बाद आद्रा नक्षत्र, जो भी करवा चौथ का स्त्रियां व्रत धारण करती हैं, उस दिन उन्हें चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बहुत से जगहों पर जो कि सर्गी लेने की भी परंपरा है, तो आप अपने परंपराओं के अनुसार आप चाहें तो सर्गी भी कर सकते हैं। इस प्रकार से नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से, चौथ माता से, माता गौरी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे माता गौरी, आज मैं करवा चौथ का व्रत धारण करने जा रही हूँ,
इस प्रकार से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश और माता गौरी से कहें। और इस दिन जो कि दिन भर निर्जला रह करके इस दिन जल नहीं ग्रहण किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। वहीं पे संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी किया जाता है, तो जो करवा चौथ का व्रत धारण नहीं करते हैं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, तो एक समय फलाहार करके भी व्रत को धारण करते हैं। तो आप अपने अनुसार आप जैसे भी व्रत को धारण करते हो उस प्रकार से व्रत को धारण करें। तो करवा चौथ के व्रत में जहाँ तक निर्जला व्रत को धारण करना चाहिए, अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार से सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता का, माता गौरी का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। और फिर करवा चौथ का व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद इस दिन चंद्रमा का जो दर्शन किया जाता है वह आगे छन्नी रख करके उससे दर्शन किया जाता है। छन्नी को आगे करके उसके बाद चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। तो चंद्र दर्शन करें और फिर चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ्य प्रदान करें या जल का अर्घ्य प्रदान करें और चंद्र देवता से भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारा सौभाग्य अटल हो। इस प्रकार से प्रार्थना करें। उसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद स्त्रियां अपने से बड़ों का, जो कि उनका पैर छू करके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने पति का चरण स्पर्श करें। उसके बाद फिर जल और फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन स्त्रियां जो कि 16 श्रृंगार करके व्रत को रखती हैं और भगवान का पूजन करती हैं, माता गौरी का पूजन करती हैं, इससे भगवान गणेश और माता गौरी का कृपा प्राप्त होता है, जिससे सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।